तो आ गए हैं हम एक और न्यू वीडियो लेकर। तो ये वीडियो कुछ इस टाइप की होने वाली है कि किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट की थी कि आपके जैसा म्यूजिक एम्पलीफायर लेना बेस्ट है या होम थिएटर लेना बेस्ट है, 25,000 अंडर कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पर रहने वाली है। तो वो बोल रहे थे कि मेरे को वेस कुछ इस टाइप की चाहिए कि वेस आनी चाहिए लेकिन कहाँ से आ रही है सामने वाले को ये पता ना चले। तो वेस कुछ उनको इस प्रकार की चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से ये वाला एम्पलीफायर जो आप वीडियो में देख रहे हो ये वाला बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ ओरिजिनल होता है। आप वीडियो देखकर ही मालूम पड़ रही होगी। तो आपको कुछ डिटेल में हम बता दें इस एम्पलीफायर की, थोड़ी बहुत डिटेल इसमें क्या क्या फीचर्स हैं क्या क्या नहीं। तो ये एम्पलीफायर जो है हमारा, ये 400 वाट प्लस 200 वाट स्टूडियो एम्पलीफायर है, मतलब 2.1। तो ये जो बोर्ड है इससे हम सबवूफर चलाते हैं, और हमारा ये वाला बोर्ड जो है इससे हम लेफ्ट राइट जो ये स्पीकर रखे हुए हैं ये चलाते हैं। और बाकी इसमें जो हमने प्रीएम्प यूज़ किया है ये भी 2.1 का यूज़ किया हुआ है, जिसमें सबवूफर सेक्शन ये इतना हमने दिया हुआ है। ये इतना जो सेक्शन है, ये आईसी जो लगी हुई है, ये सबवूफर सेक्शन है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है ताकि लो फ्रिक्वेंसी भर भर के मिले हमें। और जो ट्रांसफार्मर है हमारा देख रहे होंगे कितना बड़ा है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसकी पावर कैसी होने वाली है। बाकी टेस्टिंग हम आपको करके दिखाएंगे। और फ्रंट में हमारे हमारा ब्लूटूथ पैनल हो गया और माइक ऑप्शन हो गए, जिसको कराओ के वगैरह अगर मतलब, तो सारे फीचर इसमें अवेलेबल हैं। बाकी वीएस ये काम करता है, ये भी वीएस काम करता है, और मीटर और ट्रेवल बकाया हमारे ये सब। और फ्रिक्वेंसी रेंज आपको कितनी हर्ज फ्रिक्वेंसी रखनी है ये सभी काम करते हैं। बाकी जो वॉल्यूम है हमारा ये वॉल्यूम, बाकी जो हमारे ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट मिल रही है तो इसके लिए हमने 45045 यूज़ की हुई है। और जो हमारा प्री एम्प लगा हुआ है 2.1 का, उसके लिए 12012 की सप्लाई दी हुई है, और इसके लिए हमने 30030 की सप्लाई दी हुई है जो कि ट्रांसफार्मर से ही निकल कर आ रही है। तो हमारा जो ब्लूटूथ पैनल है आपको दिखा दूं, जो हमारा ब्लूटूथ पैनल है उसके लिए हमें 4 वोल्ट की आवश्यकता थी, तो हमने मोबाइल का ये चार्जर जो है ना वही लगा दिया है, क्योंकि मोबाइल का चार्जर मेरी नज़र में एक्स्ट्रा इसलिए। बकाया जो हमारे फैन अंदर लगे हुए हैं तो उसके लिए भी 12 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत थी, तो 12 वोल्ट की इसके लिए दे दी है। और हमारा ये रिले जो लगी हुई है, तो ये कैसे क्या काम करती है आप लोगों को बता दूं। ये जो एम्पलीफायर जब कभी दिक्कत देता है तो स्पीकर हमारे जो होते हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं, क्योंकि इस पर तो कॉस्टली काफ़ी स्पीकर यूज़ हम करते हैं, क्योंकि बड़ा एम्पलीफायर है। वीडियो में आपको देखकर पता ही चल रहा होगा कि ये किस टाइप का एम्पलीफायर है और कैसी इसकी बेस पंच वगैरह रहने वाली है। और बकाया ये हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट स्टार्टर, जो कि काफ़ी ये ट्रांसफार्मर जो लगाया लोड लेता है, तो ये आराम से कोई भी दिक्कत देते ना हुए आराम से इसको स्टार्ट करता है, नहीं तो ये काफ़ी लोड लेता है। और बोर्ड में जो हमने आईसी यूज़ की है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2SC5500 है, धूल जम रही है, काफ़ी टाइम बाद खुला है, 2SC5500 है ओरिजिनल। तो बोर्ड भी काफ़ी अच्छा है। और बकाया हीट सिंक आपको देखकर पता चल रहा होगा कि हीटिंग वगैरह की कोई दिक्कत तो आने वाली भी नहीं है, बकाया फैन लगे हुए हैं, तो आपको इस बोर्ड की साउंड क्लियरिटी सब कुछ दिखाते हैं। तो आपको छोटी मोटी हम इस पे टेस्टिंग करके दिखाते हैं, और हमने स्पीकर वगैरह कौन से क्या यूज़ किए हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो इस पे चार इस वाले बोर्ड पे जो लोड हमने डाला है
वो एसी स्पीकर का लोड डाला है, जो कि हमारा 300 आरएमएस पावर का है। बकाया 200 वाट के इस बोर्ड से चलने वाले हैं। ये छोटा सा जो लगा है ये 200 वाट देता है और 400 वाट ये है हमारा। तो इसमें जो सबवूफर यूज किया है सोनी कंपनी का है, तो इस पे सोनी कंपनी का सबवूफर चलने वाला है। तो चलिए आपको छोटी मोटी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। कॉपीराइट का इशू रहता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा एम्पलीफायर ऑन। तो देख लो ग्रीन लाइट, प्रोटेक्शन मोड, सब कुछ ओके है। तो ये चलने के लिए रेडी है। तो हमने नॉन कॉपीराइट एक म्यूजिक प्ले कर दिया है। थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ाते हैं। अभी बेस बिल्कुल जीरो है, थोड़ी सी भी नहीं भाई, इसका भी जीरो है। इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब सब ऊपर चल रहा है तो इस बेस का क्या काम। वैसे ये बढ़ाएंगे तो इसकी बेस बढ़ती है। हमें तो वोकल की ज़रूरत है, तो वोकल हमें इन दोनों से मिल जाएगी। तो आपने लोबी सॉन्ग पर टेस्टिंग देख ली होगी, तो थोड़ी लाइट थोड़ी दिक्कत दी, तो इसलिए थोड़ी आवाज़ में डिस्टेंस मिल गया। बकाया अगर डीजे सॉन्ग हम अगर प्ले करते हैं तो उस पर परफॉर्मेंस कैसी रहती है सबवूफर की, वो भी आप लोगों को थोड़ा प्ले करके दिखा देते हैं। कॉपीराइट का इशू रहता है। तो आप लोगों को पूरी डिटेल दे दी है एम्पलीफायर की। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। बाकी आप लोगों के लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।